अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास। होप सो कि आपने प्रीवियस टू लेक्चर्स जो हैं इडियम प्रेपोजिशन से रिलेटेड, उनको बड़ा केयरफुली समझा होगा, पढ़ा होगा, उनको लर्न करने की कोशिश की होगी। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं पढ़ा, नहीं देखा या वीडियोस नहीं देखी हैं, वो उनको दोबारा से बताया जाता है, कहा जाता है इनको अच्छी तरह देखें, क्योंकि यही इडियम्स हैं। ये समझें जो पूरा सेशन आप लोगों को इडियम्स पढ़ाई जानी है, वो हमने इन लेक्चर्स में आपको रिकॉर्ड करके दे दी हैं। तो यही बार बार रिपीट होंगे, यही बार बार पेपर्स में रिपीट भी होती हैं। तो इनको आप दोबारा से इनको अच्छी तरह देखें, जिन्होंने नहीं देखी अपने वो दोस्तों को भी बताएँ, और हमारा यूट्यूब चैनल जो उसको भी सब्सक्राइब करें, यहाँ पर वीडियोज़ जो हैं उनको देखें, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इंग्लिश की जो है हमने प्रेपोजिशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था, तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम प्रेपोजिशंस में देखेंगे कि बोर्ड में कौन कौन सी आपकी प्रेपोजिशंस आई हैं। तकरीबन 2006 से लेकर 2019 तक ग्रुप वन और ग्रुप टू में जितनी भी प्रेपोजिशंस आई हैं वो यहाँ आपको एक ही इसमें लेक्चर में रिकॉर्डिंग में आपको दी जा रही है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर जितनी भी आपको प्रेपोजिशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, वो सारी की सारी मैं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, अब वही आपको यहाँ पर दोबारा भी दी जा रही है, और ये सारी की सारी जो हैं वो पेपर्स में आई हुई हैं, तो आपको लर्निंग में आसानी होगी, फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो हम इंशाल्लाह इनको वन बाई वन देखते हैं। अब जी देखें, ये 2006 का ग्रुप वन का पेपर है, जो बोर्ड का है, पिंडी बोर्ड का है, या बाकी बोर्ड्स के तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं, पेपर पैटर्न सेम ही होता है पंजाब बोर्ड्स में। अब फर्स्ट में देखें जी, ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग, मैंने अभी हमने रिसेंट इसको पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो अब देखें, गिव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आपकी यहाँ पर यूज़ होगी? गिव अप। तो यहाँ पर प्रॉपर आपने जो बबल फिल करनी है या टिक करना है वो होगा ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। इसी तरह सेकेंड में है, लुबना रानी इज़ गुड डैश इंग्लिश, मैंने पहले भी बताया था कि हमने देखा है, पढ़ा है, गुड हो या बैड हो, इनके साथ प्रेपोजिशन जो होती है वो एट यूज़ होती है। तो यहाँ पर करेक्ट जो प्रेपोजिशन है वो आपकी एट है। इसी तरह थर्ड में है, ही कैन नॉट पार्ट हिज वाइफ। अब यहाँ हमने दो चीज़ें देखी, पार्ट विद होता है और पार्ट फ्रॉम होता है। तो किसी शख्स से जो होता है दूर होना होता है वो पार्ट फ्रॉम होता है, किसी चीज़ से दूर होना होता है पार्ट विद होता है। तो यहाँ आपने करेक्ट अपनी प्रेपोजिशन देखनी है। ये शी पुट द लैम्प एंड स्लेप्ट। अब यहाँ पर आप देखें, चार आपके पास ऑप्शन है और कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, पुट आउट है, पुट इन है, पुट ऑन है और पुट ऑफ है। तो अब जो करेक्ट वाली है आप लोग वहाँ से आप देखनी है। मैं ज़्यादा आपको साथ साथ बताऊंगा नहीं कि कौन सी इसमें करेक्ट है, ताकि आप इसके प्रीवियस लेक्चर में इसको देखें और आप उसको फाइंड आउट करें कि इसमें पुट के साथ मैंने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी की सारी मैं आपको करवा चुका हूँ। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, आपके पास है शी टेक्स डैट हर मदर। ये हमने शुरू में पढ़ा था, मैंने इसको समझाया भी था आपको कि टेक आफ्टर जो है एक मुशाबियत होना, ठीक है ना, जिससे प्रेपोजिशन जो है वो टेक आफ्टर वाली प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ होगी। इसी तरह आप देखें जी, 2006 का ग्रुप टू का जो आपका पेपर है उसको देखें, ये बोर्ड का पेपर है जो आपके पेपर में जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है प्रेपोजिशन। अब देखें, आई एम फेमिलियर दिस प्लेस, अब चार ऑप्शन है, ऑन टू विद। अब देखें, सबसे पहले तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनका जो होता है, इनको सॉल्व करने का जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो आप दो ऐसे ऑप्शन को एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड वाला ऑप्शन जो होता है वो यूज़ करें, कि एक्सक्लूड कर दें कि जो आप समझते हैं कि ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब ये देखें, फेमिलियर फार एंड ऑन, ये दोनों जो एक्सक्लूड आप कर देंगे तो आपके पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, टू और विद। अब यहाँ पर आपको इसमें से चॉइस करनी होती है कि कौन सा आपका करेक्ट है। इसी तरह, ही इज़ पार्शियल यू इन दिस मैटर, वो आप इसमें पार्शियल है, आपकी वो तरफदारी कर रहा है इसमें। He is qualified teaching English. अब देखें, वो कहते हैं वो qualified डॉक्टर है, किसमें इन लगेगा, ऑफ लगेगा, आउट लगेगा। तो अब इसमें देखें कि ही इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, ही इज़ क्वालिफाइड इन टीचिंग है, ऑफ टीचिंग है, इन है। तो इसमें आपने इसको अपने, इसलिए मैं साथ साथ नहीं आपको ये करवा रहा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से इसकी लर्निंग करें, खुद से इनको देखें। अब 2006 में दोबारा रिपीट हो गया ये, जैसे 2007 में आ गया। अब 5 वाला देखें, ये वाला, शी टेक्स आफ्टर आर मदर। अब यहाँ पर लुबना टेक्स आफ्टर आर मदर, सेम वही सेंटेंस है, तकरीबन वर्ड्स की चेंजिंग है, लेकिन टेक आफ्टर आपका यूज़ हुआ है।
अब इसमें देखें अब्दुल्ला कैन नॉट काउंट, काउंट जो होता है काउंट के साथ आप देखें फार लगता है, ऑफ लगता है, अबाउट, तो काउंट के साथ ज़्यादातर काउंट ऑन माई फ्रेंडशिप, काउंट अबाउट एंड काउंट, इसमें आपको देखना है कि कौन सी आपके पास इसके यूज़ होगी। अब देखिए राशिद इज लुकिंग डैश अटाय इन द लुक, लुक फार होता है तलाश करना, लुकिंग फार, जैसे हम पीछे ही इज लुकिंग फार अ जॉब, हमने इसको अच्छा डिटेल में अच्छी तरह इसको हमने पढ़ चुका है। अब ये भी है, मैंने टर्न डाउन वाली आपको बताई थी, फिफ्थ वाला देखिए, कोर्ट टर्न डैश इज रिक्वेस्ट, यानी कि उसने बेल की या कोई रिक्वेस्ट की या कोई पेटिशन फाइल की है तो कोर्ट ने रद्द कर दिया, द कोर्ट टर्न डाउन, तो यहाँ पर डाउन वाले इसके साथ प्रपोजिशन आ जाएगी। इसी तरह 2007 का ग्रुप देखें, ग्रुप टू है आपका, अब इसमें भी सेम यही है कि रिपेंटिंग के साथ आपकी प्रपोजिशन कौन सी यूज होती है, ही ऑलवेज साइड्स इन है, बाई है, अपान है, कौन सी आपके साथ रिकॉन्साइल्ड है, स्टेयर, ये अभी हम पे अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि स्टेयर एट, ये घूर कर देखने, फर्स्ट ईयर में आप एक जो है वो पोएम पढ़कर आए हैं उसमें भी यही है कि वी हैव वी डोंट हैव टाइम टू स्टेयर एट द थिंग्स, तो इसमें देखें शी इज़ एंग्री डैश माई रिमार्क, आप देखें एंग्री विद और एंग्री एट दोनों कौन सा आपके पास लगेगा उसको आपने इसमें देखना है। नेक्स्ट आपके पास 2008 है, ग्रुप वन है, ग्रुप टू है, सेम ही तकरीबन आप जब हमने पढ़ देखा कि मैंने बताया कि ब्रेक डाउन जो होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, आप देखें कार ब्रेक द कार ब्रोक डैश ऑन द वे, ब्रोक डाउन ऑन द वे, इसी तरह ही कांग्रेचुलेटेड मी, कांग्रेचुलेट ऑन होता है उसकी किसी की कामयाबी के ऊपर किसी को करना। अब ये देखें फिफ्थ वाला फिर आ गया है, दोनों पहले साल में शी टेक्स देयर हर मदर, लुक आफ्टर यानी कि मुशाबहत होना, तो ये टेक्स आफ्टर जो है बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता होता है। अब इसमें 2008 में देखें ही इज़ इल फीवर, अब विद फीवर होगा, फ्राम फीवर होगा, इसमें आपने इसको ही डाइड फ्राम कॉलरा या ऑफ या फार, कौन सा किस बीमारी से उसकी डेथ हुई है आपने इसको अच्छी तरह देखना है। अब नेक्स्ट आ जाए 2009 में, ग्रुप वन है, डू नॉट बोस्ट योर वेल्थ, अब बोस्ट ऑफ होता है ज़्यादातर इसके साथ ऑफ लगता होता है कि अपनी दौलत के मुतलक अपने बहुत ज़्यादा बात करना। इसी तरह इंक्वायर मैंने यहाँ भी पढ़ा पिछले लेक्चर में, अभी देखा हमने इसको देखा था कि इंक्वायर किसी की सेहत के बारे में पूछना, इसी तरह द थीफ ब्रेक इन टू होता है किसी के घर ज़बरदस्ती दाखिल होना, तो यहाँ पास्ट टेंस यूज़ होगा, ब्रोक इन टू हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी आपके सामने 2009 का जो है ग्रुप टू है, अब रिपेंटेड है उसके साथ, डू नॉट बी जेलिस ऑफ अदर्स, शी वॉज ब्रॉट, अब ये हमने रिसेंट लेक्चर में देखा लास्ट में ही था कि ब्रिंग अप या ब्रॉट अप जो होता है या गिव अप इसी तरह, तो ब्रिंग अप प्रवेश करना तो अप यूज़ हो जाएगा इसके साथ। अब ये डू नॉट स्नियर एट, लाफ एट, जीर एट, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एट यूज़ होता है। अब आप आ जाएं जी 2010 में, 2010 के ग्रुप वन है, यहाँ पर वो ये शाउट एट, शुरू में हमने देखा कि शाउट के साथ एट यूज़ होता है, इसे ये रिपेंट इसमें 2009 में भी आया है, यहाँ भी रिपेंट आ गया, इंडल्ज इन होता है। अब फादर इज़ ब्लाइंड, ये मैंने जब वहाँ डिटेल में बताया था, तो क्या है ब्लाइंड इन है या ब्लाइंड टू है, ठीक है, कौन से आपके, ये वहाँ भी आपने इसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारे डिटेल में आपको समझा दिए हैं। इसी तरह ये सारे के सारे आपके प्रपोजिशंस हैं। अब आ जाएँ 2011 में, 2011 में भी हमारे पास जो है वो आई विल स्टैंड डैश यू टू द, अब स्टैंड बाय यानी किसी के साथ खड़े हो जाना, ये स्टैंड विद है, ये स्टैंड अबाउट है, ऑन है, तो कौन सा करेक्ट है वो आपने इसमें से फाइंड आउट करना। अब देखें थर्ड वाला, मैंने इसको आपको ट्रस्ट इन और बिलीव इन, इनके साथ ट्रस्ट और बिलीव के साथ इन प्रपोजिशन यूज़ होती है, ये बहुत बड़े ट्रिकी से होते हैं, जैसे ये आपके सामने सारे के सारे पिक्चर आपको दे दी गई कैसे आपके पेपर में आते हैं, बड़े ट्रिकी होते हैं, आपने बड़ी एहतियात के साथ बड़े बड़े तहम्मुल के साथ इसको आपने फाइंड आउट करना, टाइम भी आपके पास लिमिटेड होता है, वहाँ पर हाफ एन आवर होता है ऑब्जेक्टिव को अटैम्प्ट करने का, तो हाफ एन आवर काफ़ी होता है आपको, तकरीबन 1.5 मिनट या 1.25 जो आपको मिल जाते हैं एक ऑप्शन को करने के लिए, तो गौर फिक्र करके आप इसको देखना, ऐसे अंधों की तरह उसको बबल बनाने या टिक कर दे नहीं रहना होता है। नेक्स्ट ये आपके पास 2011 का ग्रुप टू है हमारे पास, तो प्रिवेंटेड है इसके साथ, यूज के साथ, मैटर
ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आपने ये भी शाउट जो है पिछले में यूज़ हुआ था तो यहाँ भी आ गया, इसमें आपने इसको फाइंड आउट करना है, अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ इनको यहाँ फिल करना है, खुद से लिखें। अब ये देखें जी 2012 में रेस्पॉन्सिबल, आप कहते हैं कि तुम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो, तो किसी को रेस्पॉन्सिबल ठहराना, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ग्रीव एट, इसी तरह वी प्रे टू गॉड, इसी तरह द राइटर वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ, रिड ऑफ, ये आप अभी हम आपका जो चैप्टर है आप पढ़ेंगे डिस्ट्रॉइंग द बुक्स, तो वहाँ पर है जो राइटर जो है वो अपनी किताब पुरानी किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहता है, या ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज बैड हैबिट्स, तो डिफरेंट यूज़ होता है। ये फिफ्थ वाला वी मस्ट अबाइड डैश लॉज, तो अबाइड बाय होता है। ये 2012 के ग्रुप टू में देखें, ग्रीव्ड एट हो गया, ही इज अडिक्टेड टू, अडिक्टेड टू इनके नशे में आ जाना, नशे का आदि होना, ही कॉल्ड माई हाउस, अब दो होते हैं कॉल एट और कॉल ऑन होता है, दोनों दोनों यूज होते, कॉल्ड ऑन किसी से आप किसी किसी के घर मिलने के लिए जाते हैं, कॉल ऑन होता है, अब्लाइज टू, डिप्राइव्ड ऑफ। नेक्स्ट है जी आपके पास है 2013 है जी, ग्रुप टू है इसका भी, ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों है आपके पास, मेडल मुदाखलत करना होता है, ही इज़ ब्लाइंड वन आई, ये भी आपने ब्लाइंड वाले दो तीन ऑप्शन थे उसको मैं अच्छी तरह देखें इसको, द थीव वाज चार्ज्ड ऑफ है या विद है, इनमें आपने देखना है। नेक्स्ट है जी गॉड इज़ काइंड विद, काइंड टू है या काइंड विद है, टू ज़्यादातर यूज़ होता है मोस्टली। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसी में से देख, एक्सीड टू है प्रेप उसमें यूज़ हुआ है, तो प्राउड ऑफ। नेक्स्ट है जी 2014, फिर वही ब्लाइंड इन, असलम इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई या टू या इन ऑन, कौन सा ऑप्शन है वो आपने देखना है। शीप लिव ऑन ग्रास, अब यहाँ पर गुजार, लिव ऑन यहाँ पर गुजारा करना होता है, ठीक है ना, तो लिव ऑन होता है, ये नहीं कि लिव इन वो रहती नहीं बल्कि गुजारा करती होती, खा के गुजारा करती होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी ये सारे के सारे ऑप्शन है आपके पास, एग्रीड है, इसी तरह ज़कात मस्ट बी डेल्ट फेयरली, अब इसमें ऑप्शन आपने फाइंड आउट करने हैं कौन सा आपके यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास है 2015 के दोनों ग्रुप्स हैं आपके पास, दिस हाउस इज़ टू लिव इन, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई या ब्लाइंड विद वन आई, ये जो भी आपसे, ही इज़ लुकिंग इन, ही इज़ लुकिंग एट द मैटर, इन टू, लुक इन टू होता है गौर व फिक्र करना, मुशाहिदा करना, इंक्वायरी करना, लुक इन टू होता है। ही टे, अब ये देखें ये अगेन आ गया, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, उसकी अपने वालिद से मुशाबहत है, जैसे लुबना टेक्स हर आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब ये देखें ही डील्स, ही डील्स डैश शुगर, ही डील्स इन शुगर, वो शुगर का कारोबार करता है, या ही डील्स इन क्लॉथेज, डिफरेंट इसके यूज हो सकते हैं। फिर जी आपके पास प्रेपोजिशन है 2016 में, ही फेल प्रे टू कॉलरा, प्रे टू होता है, अब ये पी आर ई वाई प्रे होता है शिकार हो जाना, या ही फेल प्रे टू कोरोना, कोरोना डिजीज का शिकार हो गया, और पी आर ए वाई जो होता है आप पैरा वर्ड्स में पढ़ के आ चुके हैं, वो जो होता है दुआ करना होता है, प्रे करना, रिक्वेस्ट करना। इसी तरह द मुस्लिम्स फाट फार, फाइट फार होता है अपने हकूक के लिए लड़ना, इस ये सारे हैं, ट्रस्ट इन अल्लाह। नेक्स्ट आप 2016 है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, सारे के सारे वही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए। 2017 का जी आ जाएं आप, इसमें ग्रुप वन में, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है जो हमने ना देखी हो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ना की हो, ब्लाइंड है, ग्रम्बल्स एट हो गया, तो ऑपरेटेड अपान, सारे वही है जो हमने, मुस्लिम बिलीव्स इन वन, सारे वही हैं जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। द ट्रेन इज़ बाउंड टू है या फार है, इसको देख लें, बाउंड फार यानी कि रिजर्व होना, ये जा रही है यहाँ गाड़ी, इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जिसकी आपको समझ ना आई हो या आपने प्रीवियस लेक्चर में आपके पास मौजूद ना हो। 2018 में देखें, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, प्रीफर कॉफ़ी टू टी है या एट टी है या ओवर है, इसको भी आपने देखना आपके पास डिटेल में, ये सारी की अबाइड बाई आप देख चुके हैं। रन रन ओवर ये भी हम देख चुके हैं। स्नीर एट सारे वही हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2018 में भी मोस्टली वही है, टू नॉट लुक डाउन अपान, सारे के सारे जो सारे पीछे पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं। लास्ट में जी आपके पास है 2019 का ग्रुप जो है वन है, इसमें
आई कॉन्ट माई डियर फ्रेंड्स, किसी से जुदा होना, पार्ट फ्राम, ही फेल्ड एट इंग्लिश या इन इंग्लिश या ऑफ इंग्लिश या ऑन इंग्लिश, आपने इसको भी देखना है। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट से आपका, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हुई है, ये सारे के सारे आपके इसमें पेपर में दिए गए हैं आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर में। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट, उसको मिठाई पसंद है। द कार डैश्ड अगेंस्ट अ ट्री, ही हैज़ ग्रेट होप। तो ये सारे के सारे जो प्रेपोजिशंस हैं आपके प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं और इनको कंबाइंड किया गया है प्रीवियस लेक्चर के साथ, इनको रिलेट करें, इनको पढ़ें, तो होप्स हो कि इनको आपको एनुअल पेपर में और कहीं भी आपको किसी भी टेस्टिंग में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो प्रेपोजिशंस के टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया आपका, इससे जो आपके सेकेंड ईयर में जो प्रेपोजिशंस पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी आपको करवा दी गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक, होप्स हो कि हमारा जो मेरी तरफ से जो नेक्स्ट लेक्चर आपको दिया जाएगा वो idioms से रिलेटेड होगा, तो वो idioms के लेक्चर तक आप इसको प्रिपेयर करें और जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है उसको हमसे डिस्कस करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें या कॉल कर लें। थैंक यू।